ये गाइस हार्ट टू पी का रास्ता देख सकते हैं आप सभी, बहुत ही डेंजर है। 200 में आ रहे बाइक भी ओवर हीट हो रहा है यहाँ पर आके। पर इसमें एक फायदा है गाइस कि इसमें फैन है, रेडिएटर है भाई। इस बार में यहाँ पे झूला वगैरह लग गया गाइस, मेले की तैयारी हो रही है। इस 21 तारीख को संडे को यहाँ पर मेला है एंड झूला वगैरह लग गया गाइस। अमित भाई जा रहे हैं राटू राइड पे सुबह सुबह, तो अभी अमित भाई आके मिलेंगे। और ये रही अपनी ड्रैगन, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुके हैं हम। तो गाइज अभी मैं हूँ नारकंडा, तो हाटू से नारकंडा से हाटू जा रहे हैं हम लोग। और ये सामने मंदिर देखो कितना सब सजाया हुआ है। तो लड़का मिल चुका है दुकान में अंदर। तो गाइज अमित भाई बैठ चुके हैं पीछे, चले हम माता की यहाँ से शुरू होता है हट्टू टेम्पल का रोड, जय माता की। ओहो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है यार, एक दिन उछला था मैं। तो गाइस जल्दी ही हट्टू का मेला भी स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख को, तो आज हो चुकी है 19 तारीख। गाइस आज है यहाँ रोड खाली, और जिस दिन होगा मेला यहाँ पे जगह तक नहीं होगी चलने की। और गाइस ये रोड ना बहुत ही तंग है, सिंगल रोड है, और देख सकते हैं आप कितना कंजस्टिव है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, एक आपको बताएंगे आगे। यहाँ पे हॉर्न बजाए, ओए हाथ ठंडे हो गए ना, इधर को तो बहुत ठंड है यार, नीचे को तो नहीं होते ठंड। अब हाटू रह गया है सिर्फ 4 किलोमीटर। कभी हम इस रास्ते से पैदल जाया करते थे, वो बचपन का दिन था। आज हमारे पास, आज हम KTM ड्यूक लेके चल रहे हैं। आज आप लोगों की दुआ से हमारे पास बाइक आ चुकी है। ज्यादा हो गया भाई, क्या बना रहे हैं। तो गाइस हाटू का जो पहला डेस्टिनेशन है वो हम पहुंच चुके हैं, इसका नाम है जमुंडा। और यहाँ पे ना गुजर लोग रहते हैं, भैंसे आ चुकी है यहाँ पे, भेड़ भूट देखो। और सर्दियों में यहाँ पे टूरिस्ट का तांतड़ा लगा रहता है यहाँ पे, इसमें आइस स्केटिंग भी होती है इस जो ये दिख रहा तालाब सा, और यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी कराते हैं। और सर्दियों में यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है इस टाइम। और यहाँ पे हमारे आगे से जंगल अकेले बोलो, जाम हो गया हाल में। बोल तो दिया मैंने,
खतरनाक कर रहा है। और गाइस यहाँ पे ना एक बार एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, और यहाँ से खिसक के वो नीचे पहुँच गई थी निचले रोड में, और शायद उस टाइम एक आधे लोग की डेथ हो गई थी। देख सकते हैं आप कितना छोटा रोड है, और जब एकदम से गाड़ी आ जाए ऊपर से तो खतरा रहता है। यहाँ पे कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है, और यहाँ से देख सकते हैं नीचे एप्पल वैली, पर मेरा दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा। तो गाइस पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको आते टाइम पूरा 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 कुछ निकलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे ठहरने के लिए होटल भी है, हाटू होटल। और देखो बाइक गर्म हो चुकी है, ओवरहीट में बंद भी हो जाती है बाइक, पता है ये वाली। हाँ नहीं उसमें। और यहाँ देख सकते हैं कितने तीखे मोड़ है भाई, संभल के चलाना पड़ता है राइट। भाई साहब गियर डाउन करना चाहिए था पहले यार, गियर डाउन नहीं किया ना मैंने। मेले की तैयारी लगभग स्टार्ट हो चुकी है, देखो यहाँ पे टेंट लगना शुरू हो चुका है, दो तीन दिन ही रह गए हैं बस मेले के लिए। पहले दिन तो दर्शन करना भी मुश्किल होगा पहले संडे। तो गाइस ये है मेला ग्राउंड, और ये देखो यहाँ पे टेंट लगने शुरू हो गए, नीचे झूला लग गया है, ये देखो अभी से लगाना शुरू कर दिया है। देखो अब मंदिर 1 किलोमीटर रह गए बस। गाइस ठंड, बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है, एक हाथ से चलाना पड़ रहा है एक हाथ जेब में, बहुत ज़्यादा ठंड है। कुछ ही दिन पहले यहाँ हट्टू में बर्फ़ पड़ी थी, और ये रहा ऊपर हाथी मंदिर, और बाइक ओवर हीट हो जाती है यहाँ पर चढ़ाई में बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और यहाँ पहले से गाड़ी रुकी है, और ये रहा पार्किंग एरिया हाटू का। पहले यहाँ से अंदर ही अंदर जा सकते हैं अंदर, बट नहीं। तो गाइस अपनी ड्रैगन को कर दिया हमने यहाँ पर पार्क। ओहो जय माता की। और ये रहे अमित भाई हमारे, देख सकते हैं गाइस वो है नारकंडा। और ये देखो सामने जो वो नज़ारा दिख रहा है वो है नारकंडा, और हम वहाँ से आए 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय करके। ये रहा माता का मंदिर, जय माता की। हाटू पहुँच के हाटू मंदिर 0 किलोमीटर। पहले ना जब हम छोटे होते थे या 5-6 साल पहले इधर गाड़ी आ सकती थी, बट अब वहाँ पे गेट लगा के बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना इधर, इसलिए गाड़ी को अलाउ ही करना बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं हाटू का मंदिर, ज़बरदस्त लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है नहीं ज़बरदस्त है। तो गाइस अमित भाई तोड़ रहे हैं नारियल, देखते हैं तोड़ पाते हैं कि नहीं। वाह फोड़ दिया, फोड़ गया, पानी मिल गया, अरे पी लो, अरे वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक ही घसे में फोड़ दिया, देखा अमित भाई की पावर। गाइस एक कमेंट तो बनता है अमित भाई के नाम पे, ओ नारियल निकाल दिया इन्होंने, खतरनाक बंदे यार ये तो। तो गाइस दर्शन हो चुका है आप लोगों को, अब थोड़ा सा आगे जाके नज़ारा दिखाते हैं खतरा वाला। यहाँ पे ना बहुत ही तगड़ा तगड़ा नज़ारा है, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे है ना टेंपल, ये रहा हाटू टेंपल। और यहाँ पे ना जब यहाँ भंडारा होता है तो यहाँ खाना बनाते हैं। और गाइस वो रेस्ट हाउस है,
और यहाँ पे देखो बाग बनाया है माता जी का, इसने देखो पूरा मुंह खोला है, पूरा खाने के लिए तैयार है अंडा। एक उधर को है और एक इधर को है देखो, और वहाँ पे देखो अमित रो का ब्लॉग भी रेडी है। सो हेलो गाइज, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज ये ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है हाटू से बिल्कुल टेम्पल के साथ में, और राम भाई का गाइज चैनल बहुत अच्छा है, इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो गाइज, और शेयर भी करो। एक बार पूरा चैनल खोल के देखो गाइज, राम भैया ने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए, बाकी ये व्यू चेक करें गाइज। गाइज थोड़ा हाइट में जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, भीम चूल्हा बोलते हैं, वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बाकी हमको भी पता नहीं इतना। तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ना वहाँ पे, हम बचपन में उसके ऊपर चढ़ा करते थे। तो गाइज मैं हाटू तब से आ रहा हूँ जब से ये जो मंदिर है ना बन रहा था उस टाइम, और ये इस साइड में कुछ भी नहीं बना था। तो गाइज वो भीम चूल्हा ये रहे, ये देखो चूल्हे की तरह है, एक पत्थर यहाँ पर, एक पत्थर उधर, एक पत्थर उधर, और यहाँ पे, और वो पॉइंट देखो भयंकर वाला डेंजर। और ये जो नीचे दिख रहा है ना ये टॉयलेट बनाया है इधर। गाइस हम बहुत ही हाइट में पहुंच चुके हैं, 3400 मीटर सी लेवल से। कभी मैं सी पे भी था और आज मैं इतने हाइट पे भी आ गया हूँ। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना खतरा वाला, पूरा चारों तरफ पूरे पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़। इनका ब्लॉग का चैनल है तो ये दिन भी क्या दिन। गाइस जब बरसात होगा ना तब हम यहाँ आएंगे फिर से, और यहाँ पे जब बारिश के बाद पूरा साफ हो जाता है ना तो ये पहाड़ियाँ पूरी क्लियर दिखाई देगी, अभी थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं सामने हिमालय है, बट कैमरे में इतना नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पता नहीं शेड जैसा पड़ रहा है अभी सुबह सुबह। तो गाइज ये रहा नारकंडा। तो गाइज ड्यूटी पे जाना है तो जल्दी जल्दी वापस चलते हैं अब, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और कभी टाइम लगा के आएंगे। तो गाइज ये है हाटू का खूबसूरत मंदिर, और गाइज ये है सिर्फ नारकंडा से 7 किलोमीटर ऊपर। और तो अभी कभी भी आप नारकंडा विजिट करते हो तो यहाँ ज़रूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं आप लोगों को। और यहाँ का मौसम ना बहुत ही ठंडा है नारकंडा के मुकाबले में, और नारकंडा से ज़्यादा स्नोफॉल भी यहीं पर होता है। और ये जो सड़क है ये स्नोफॉल के टाइम बंद रहता है, और यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करके चढ़ते हैं ऊपर। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं शिमला 71 किलोमीटर और नारकंडा 7 किलोमीटर है सिर्फ। तो गाइज ये थी हमारी नारकंडा से हाटू की छोटी सी राइड सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और तो अगले राइड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।